मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। वैभव गहलोत पर आरसीए अध्यक्ष रहते हुए गलत तरीके से टेंडर का आरोप लगा है। बता दें कि वैभव गहलोत की अध्यक्षता वाली राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की पूर्व कार्यकारिणी के खिलाफ मामला दर्ज कराया जाएगा। बीजेपी सरकार की ओर से गठित एड हॉक कमेटी ने आरसीए के पूर्व अध्यक्ष वैभव गहलोत के कार्यकाल में हुए कामों की जांच करवाई गई। जांच में आईपीएल और राजस्थान प्रीमियर लीग के टेंडर से लेकर चौंप स्टेडियम के निर्माण कामों में भारी अनियमितताएं पाई गई हैं। ऐसे में अब एड हॉक कमेटी वैभव गहलोत की अध्यक्षता वाली कार्यकारिणी के खिलाफ जल्द मामला दर्ज करा सकती है। मामले में राजस्थान पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर सीबीआई और ईडी की टीम भी जांच कर रही है। जो काम कुछ करती है उनको काम कुछ दे दिया, इसलिए काफ़ी कुछ इरेगुलरिटीज हैं जिनकी सीए साहब जांच कर रहे हैं और उन इरेगुलरिटीज के हिसाब से एडवोकेट जो क्रिमिनल एडवोकेट हैं उनसे सलाह करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये वित्तीय अनियमितताओं की मैंने जो शुरू में दो तीन बातें बताई वो सब हैं, आज या कल में हमें सीए साहब की फाइनल रिपोर्ट मिल जाएगी। सीए साहब को मैंने यही कहा कि आप तो हमें इरेगुलरिटीज़ के जो पॉइंट्स हैं वो हाईलाइट कर दें, सारी बैलेंस शीट की डिटेल में हमें नहीं जाना। तो जहाँ आपको लग रहा है कि भाई ये चीज़ इरेगुलर हुई है उन सब चीज़ों को लोकसभा में